अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक सवाल आया है जो कि एक नॉन मुस्लिम भाई ने पूछा और वही सवाल एक मुस्लिम भाई ने पूछा। वो सवाल है, क्या मुस्लिम भाइयों को दिवाली पर क्रैकर्स वगैरह जलाने चाहिए, क्रैकर्स मीन्स पटाखे जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए। तो वही सवाल को लेके मैं आप इस वीडियो को बना रहा हूँ और इसी के ऊपर चर्चा चलेगी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं, मुस्लिम्स, सिख, ईसाई, जैन, हर एक धर्म के लोग रहते हैं और बड़े ही प्यार से रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो त्यौहार हर किसी के त्यौहार आते हैं, मुस्लिम्स के भी त्यौहार आते हैं, नॉन मुस्लिम्स के भी त्यौहार आते हैं, तो वो बड़े ही मोहब्बत और बड़े ही प्यार से बनाते हैं और हर किसी के त्यौहार अहम होते हैं और हर किसी के मज़हब के अंदर एक एक तरीका, हर एक तरीके को फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो इसी बात के ऊपर मैं आपको यही बताऊंगा कि जो दिवाली है जो नॉन मुस्लिम मनाते हैं, इसका बहुत ही बेसब्री से वो इंतज़ार करते हैं, बहुत ही शोरगुल्ला से बनाते हैं, बहुत ही तैयारी करते हैं इसके लिए। और जो लोग बाहर होते हैं, मुल्क से बाहर होते हैं, उनकी फैमिली के मेंबर्स, वो भी अपने घर पे आते हैं और इस त्यौहार को बनाते हैं। तो इस त्यौहार के बारे में बहुत अच्छी बातें भी हैं और जो हम लोगों को सीखना चाहिए। और इस त्यौहार में क्रैकर्स वगैरह जो चलाते हैं, वो हम एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉन मुस्लिम भाई करते हैं, क्योंकि उनका त्यौहार है, उन्हें अपना अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। पर बात आती है कि मुस्लिम भाइयों को क्रैकर्स वगैरह चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं कि हम सब मुस्लिम्स भाई एक साथ रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, नॉन मुस्लिम्स, मुस्लिम्स, तो हम एकदम किसी को ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई, मैं नहीं जलाता तुम्हारे साथ, मैं नहीं बनाता, ये सेलिब्रेट नहीं कर सकता तुम्हारे साथ ये फेस्टिवल। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उन लोगों को बुरा भी लग सकता है इस बात का। तो हमें इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, जैसे कि हर मज़हब का अलग अलग कानून होता है, हम उस कानून के दायरे में रह के चीज़ें करते हैं। अपनी नॉन मुस्लिम्स होते हैं, उनके ये त्यौहार हैं, उनके कुछ अलग अलग नियम होते हैं, वो उनको लेके चलते हैं। हम मुस्लिम्स हैं, हमारे कुछ त्यौहार हैं, हम उन नियमों को लेके चलते हैं। तो हम इस्लाम के अंदर ये होता है कि हम किसी भी धर्म के जो त्यौहार होते हैं, हम उनको नहीं बना सकते, क्योंकि माना जाता है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जो इंसान दूसरे धर्म को बनाता है वो अपने धर्म से हट जाता है, भटक जाता है और अपना वो रास्ता थोड़ा चेंज करने लगता है। तो इसलिए जो आपका धर्म है, उसी धर्म के जो आपके त्यौहार हैं, उसको बनाना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी दोस्ती इतनी अच्छी है कि आप बचपन से दोस्त हैं, या आपकी फैमिली बैकग्राउंड दोनों का एक साथ बड़े हैं, एक साथ ही सब चीज़ चलती आ रही है आपके साथ। तो आप उस जो आपका दोस्त कहेगी यार दिवाली है, तुम घर पे आ जाओ, सेलिब्रेट करेंगे, तो आप उस पॉइंट पे कुछ सोचने का आपको बहुत ज़्यादा एक पॉइंट आता है कि हाँ यार जाना चाहिए मुझे, मेरा दोस्त है, दोस्ती ख़त्म हो सकती है। और आखिर हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पर हमें एक साथ ही रहना है, बहुत ही ज़्यादा अलग हट के जाता है, होती है कि वहाँ पर उनकी खुशियों में शामिल तो हो जाइए, लेकिन वही चीज़ चीज़ के ऊपर मैं यही बताना चाहूँगा कि बिल्कुल हम लोग अलग हट के घर पर तो जा सकते हैं, पर उस चीज़ का ध्यान की खुशियों में शामिल भी हो सकते हैं। तो जैसे कि ये चीज़ें पूजा होती है, उस चीज़ में नहीं शामिल हो सकते हैं, क्योंकि वो हमारे मजहब के ऐसे दोस्त बन गए अलग हट के हो जाता है, क्योंकि दिवाली वो भी बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि बिल्कुल मजहब के अंदर जो उनके जो मजहब है, जो उनका नॉन मुस्लिम मजहब है, जैसे हमारा मुस्लिम इस्लाम मजहब है, तो उसके कुछ अलग दायरे होते हैं कि इस दायरे के बीच में ही हमें काम करना चाहिए, ऐसे उनके कुछ दायरे वगैरह होते हैं, वो भी आपको फोर्स नहीं करेंगे और बेशक करते नहीं हैं। जैसा हमने देखा, हमारे जो दोस्त हैं, मेरे भी दोस्त हैं, मेरे सारे नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, मुस्लिम्स दो या तीन हैं, सारे के सारे मेरे नॉन मुस्लिम्स दोस्त हैं, तो वो मुझे भी फोर्स नहीं करते कि भाई तू मेरे घर पे आ, ये सब चीज़ें हो रहा है, नहीं, उन्होंने मुझसे कहा भाई त्यौहार है तू मेरे घर पर आ जाओ, मैं बोलता हूँ ठीक है भाई मैं आ जाऊँगा, जो सेलिब्रेशन वगैरह करते हैं वो मैं देख लेता हूँ, पर मैं करता नहीं हूँ, मैं क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं मैं जलाता नहीं हूँ, मैं खड़े होकर देख लेता हूँ।
और मेरी कॉलोनी में भी नॉन मुस्लिम्स रहते हैं, मैं वहाँ पर भी अपने क्रैकर्स वगैरह देख लेते हैं, हम जलाते एक भी नहीं है तो, और स्नैक्स वगैरह वो तो हम खा सकते हैं क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर एक दूसरे को मान सम्मान देना चाहिए, हर किसी के मज़हब का सम्मान भी करना चाहिए, तो मैं हर किसी के मज़हब को सम्मान भी करता हूँ, तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं और सेलिब्रेट जो कर रहे थे वो देख लेते हैं, लेकिन हाँ मैं मनाता नहीं हूँ क्योंकि किसी की खुशियों में शामिल हो सकते हैं लेकिन उस खुशियों को किसी के लिए बुरा भला नहीं कह सकते हम लोग। तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि वो क्रैकर्स वगैरह जला लेते हैं, लेकिन मैं खुद नहीं चलाता। पर अब तो कुछ सिनेरियो चेंज होता जा रहा है, जैसे कि हमने देखा कि हमारे जो इंडियंस हैं स्कूल्स के अंदर, हमारे जो फ्रेंड्स वगैरह हैं और टीचर्स वगैरह हैं, वो अब हमें यही सीख देती हैं कि क्रैकर्स नहीं जलाना चाहिए। वो वाली बात नहीं कह रहा कि क्रैकर्स मज़हब के खिलाफ जा रहा है इसलिए नहीं, वो इसलिए कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं, वो क्रैकर्स क्या होता है कि पॉल्यूशन ज़्यादा फैलाते हैं और पॉल्यूशन से मोस्टली क्या होता है एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है, एनवायरनमेंट भी डिस्ट्रॉय होता है और क्रैकर्स से अपनी जो मनी वगैरह है वो भी वेस्ट हो रही है। तो यही सिखाया गया था हमारे स्कूल में कि जो क्रैकर्स वगैरह हैं तो उन क्रैकर्स को कम से कम जलाएं, जैसे कि पॉल्यूशन जो आजकल वातावरण के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, जो एसिड रेन वगैरह जो हो रही हैं वो सब इसी वजह से हो रही हैं कि जो वातावरण है वो बहुत पॉल्यूटेड हो रहा है, तो क्रैकर्स को कम जलाएं और कोशिश करें कि आप अपना फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल बनाएं। और इसमें हाँ मुस्लिम्स लोग जा सकते हैं अपने दोस्तों के घर, स्नैक्स वगैरह खा सकते हैं, उनका जो सेलिब्रेशन कर रहे हैं वो कर सकते हैं, वो खुद नहीं जला सकते क्रैकर्स को और जो पूजा वगैरह होती है उसमें शामिल नहीं हो सकते। जो लोग ये चीज़ें करते हैं, क्रैकर्स भी जलाते हैं और उस पूजा के अंदर शामिल भी हो रहे हैं, और तो वो अपने आप को मज़हब से बिल्कुल ही दूर कर रहे हैं, तो वो लोग जो कर रहे हैं ये सब लोग वो काफिर कहलाते हैं। काफिर वो होते हैं जो कि अपना मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब की तरफ घुसने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ वो उनके मज़हब को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। तो हमें कोशिश करना यही चाहिए कि दूसरों के मज़हब को बुरा नहीं कह सकते, अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी नहीं कहना चाहिए। बस यही है कि मुस्लिम्स लोग जाएँ अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करें, घर में स्नैक्स वगैरह खाएं, जो वो सेलिब्रेट कर रहे हैं क्रैकर्स जला रहे हैं वो देख सकते हैं, पूजा कर रहे हैं वो देख सकते हैं, वो चीज़ आप नहीं करना, बस इतना ही करना है। ठीक है, बस मेरी वीडियो में इतना ही है आज के लिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।